तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कितना खतरनाक एक्सीडेंट हो चुका है। एक साइड है टाटा की आईवा और दूसरी ओर है अशोक लीलैंड का 14 चक्का का ट्रक। अभी उधर एक क्रेन को बुलाया गया है ताकि ट्रक हाईवा के बॉडी में फंस चुकी है और अपने से नहीं निकल पा रही है, तो इस क्रेन से उसे टान कर बाहर निकाला जाएगा। तो ये NHAI का क्रेन है, अभी रोड सिग्नल होने के कारण ये एक्सीडेंट हो चुका है। तो गाइज रोड अभी सिंगल था और एक ही रोड चल था, बट हाईवा ड्राइवर को लगी थी और इधर ट्रक में हो गई टक्कर और हाईवा कोयला लोड है और ट्रक खाली, ट्रक भी ज़्यादा क्षतिग्रस्त नहीं हो पा रहा, देख सकते हैं। तो अभी से पीछे बाहर तो गाइस अभी ट्रक निकल चुका है उसके बॉडी से बाहर और देख सकते हैं। मेरी टाटा वालों से यही निवेदन है कि टाटा की सभी गाड़ियां सुरक्षित बनाते हैं, बट आप हाईवा को सुरक्षित नहीं बना पाते हैं। हाईवा वाले देख सकते हैं सामने ट्रक का हाल कितना बढ़िया, और वो चल पा रही है, कुछ भी नहीं हुआ ट्रक को, एकदम साइड से ड्राइवर के साइड में हल्का सा लगा और वहीं पर हाईवा का दुर्दशा हो चुका है। हाईवा को देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि शायद ड्राइवर ना बचे, बट ड्राइवर किसी तरह से बच गए हैं। और तो गाइस टाटा का ये हाईवा बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, तो टाटा वालों आप सुरक्षित करो, हाईवा को भी मजबूत बनाओ। और सामने देखिए ट्रक बिल्कुल चल के जा रही है सीधा ट्रक।